मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है मेरा बर्थडे ब्लॉग। जी हाँ, आज है 30 सितंबर और आज के ब्लॉग में शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज का एक फ्रेश सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी, तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आपने देखा, मैंने पूजा कर लिया है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी ले लिया है। और अब तीसरा काम है जो मैं करने वाली हूँ, वो है कुछ ब्रेकफास्ट मैंने पैक करवाया है, उसको मैं कुछ लोगों को दान दूंगी। मेरी जितनी शक्ति है मैं उतने लोगों को ही दूंगी। मेरे पास बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं लोगों को दान दूंगी वो। और उसके बाद फिर हम लोग घर के बच्चों के लिए भी कुछ कुछ खाने के लिए खरीदेंगे। ओबियसली आज बर्थडे है तो थोड़ा वो लोग बाहर का नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर आएंगे। तो अभी हम सारे मतलब ग्रुप, मम्मी, दीदी, मेरे दी के बेटा बेटी, मेरा बेटा, सब मतलब साथ में ही जा रहे हैं कि एक साथ ही जाते हैं। वहीं पर नाश्ता वगैरह उन लोगों को भी करा देंगे, बाकी जो देना है पैकिंग किया है उन लोगों को भी दे देंगे। उसके बाद हम लोग घर आएँगे। और कुछ दिन की शुरुआत ऐसे हुई है, मेरे लिए मेरा बर्थडे स्पेशल इस बार इसलिए है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और मैं फैमिली पर्सन हूँ। मुझे फैमिली के साथ हर दिन सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद आता है। मेरे लिए अगर फैमिली मेरे साथ है तो वो दिन फेस्टिवल है, चाहे कुछ हो या ना हो। तो इस बार तो खैर मेरा जन्मदिन ही है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं इसी बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे बीतता है। फिलहाल गर्मी बहुत ही हार्ड है, बहुत ही तेज़ है और मैंने आज कुछ ये सूट मतलब कुर्ती है, मैंने दुपट्टा और लेगिंग्स ले लिया है, ये वियर किया। मैंने सोचा कि आज थोड़ा संस्कारी टाइप कपड़ा पहनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं बाहर, अपने सारी टीम को बुलाते हैं। वो लोग अंदर बैठी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं बाहर आके ये सूट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि कम से कम आप लोग को अपडेट तो कर दूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में देखने के लिए कि मेरा पूरा दिन आज का कैसा निकलता है। ओके, टीम बानर सेना निकल पड़ी है, दो आगे चल रहे हैं बच्चे, बाकी सभी बड़े साथ में, ये भाई, मम्मी और ये दी। आप लोगों को तो मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है और सामने दोनों बच्चे जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसको भी देना था, जितने लोग मुझे मिले, जितनी मेरी शक्ति थी मैंने उतना नाश्ता लोगों को दे दिया है। और अभी है सबको नाश्ता कराने का बारी, तो चलिए चलते हैं और सबको फटाफट से नाश्ता कराते हैं बिना किसी देरी के। और पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है जो कि आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद रास्ते में हम लोग गए पेस्ट्री के शॉप पे, जहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ केक्स थे, पेस्ट्रीज थी, मफिन्स था। तो यहाँ पे दी और भाई दोनों ने अपनी तरफ से ट्रीट दिया हम लोगों को, मतलब हम लोग जितने भी लोग थे उन सबको। भाई ने मफिन्स खिलाया और दी ने चॉकलेट्स बॉल सबको खिलाया। और यहाँ पे रिकॉर्डर बनी थी दी, क्योंकि सब ने बोला कि नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम इन्जॉय करो और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो दी रिकॉर्ड कर रही थी और ये वाला चॉकलेट्स बॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो दी ने ये लिया और इसके बगल वाला जो मफिन्स था वो भाई ने लिया और हम सब ने वहाँ पर इसको इन्जॉय किया। और डोनट्स के लिए भी मांग थी, बट सबने बोला कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हो जाएगा तो अभी रहने देते हैं, फिर शाम को भी केक कटिंग करना है, इसलिए हम लोगों ने डोनट्स को स्किप किया और इसी को खाना स्टार्ट किया। और ये देखिए, यहाँ पे मेरा बेटा सबसे पहले आ गया कि मुझे क्रीम वाला फिश खाना है, क्रीम वाला फिश खाना है, और खा के बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो यार, बच्चे हैं तो सबसे पहले तो उन्हें खिलाना बनता है, उसके बाद मैं खाऊँगी। उसके बाद हम लोगों ने अपना यहाँ पर मील इन्जॉय किया और ये मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग बहुत ही फ़न कर रहे थे, हंसी मजाक। आपको पता ही है, फैमिली जहाँ पे रहती है वहाँ पे तो फ़न होता ही होता है। हम लोग खाना कम और बकवास ज़्यादा कर रहे थे और वहाँ पे जो स्टाफ थे वो लोग भी काफ़ी इंटरटेन हो रहे थे, इसकी वजह से वो लोग भी काफ़ी हंस रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ से ये सारी चीज़ें इंजॉय की। उसके बाद फिर हम लोग निकले बस घर की तरफ, क्योंकि अंदर तो ऐसे था तो हम लोग आराम से बैठ के खा रहे थे, और बाहर निकलते ही धूप ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि बोल रहा था कि मैं ही रहने वाला हूँ। तो बस ऐसे कुछ हम लोग अपना
ब्रेकफास्ट पेस्ट्री वगैरह खा के कंप्लीट किए पूरा दिन। अब देखिए मेरी दी की बेटी यहाँ पे भी मुझे केक लगाना नहीं छोड़ने वाली। रात में भी इसी ने स्टार्ट किया था केक लगाना और अभी भी ये स्टार्ट कर रही थी, बट अभी मैंने इसे मना कर दिया। ये हम लोगों के घर के पास एक मठ है, बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ का पंडाल है। चलिए मैं आपको अंदर की मूर्ति दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ का आज मेरे बर्थडे के दिन दुर्गा जी का दर्शन कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। चलिए चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बैठा है, एकदम वाइट इस बार दुर्गा जी बैठा है। ये खूबसूरत लग रही है ना, माँ हर रूप में अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं केक कट करने। और ये केक था दी की तरफ से मेरे बर्थडे के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले केक कट किया और इसे एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वहाँ पे स्टार्टर्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स एंजॉय किया, क्योंकि हम लोगों का डिनर घर पे था, आपको पता ही है। और देन हम लोग वहाँ से निकले और खूब सारी मस्ती करने के बाद मटर पनीर की सब्जी और पूरी, जो कि मटर पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। और आप इसकी शक्ल देख के बता ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा यम बनी थी। इसकी शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, काफ़ी रात हो गई है, हम लोग का सारा पार्टी वोटी खत्म हो चुका है। बस हम लोगों को लास्ट डिनर करना है, जो कि हम लोग घर पे करेंगे, क्योंकि आपको हमने पहले ही बोला था कि बाहर हम लोग सिर्फ केक कटिंग करने के लिए थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने खाया उसके लिए गए थे, और बाकी डिनर घर पे ही है, सब घर पे ही बना के गए थे हम लोग, क्योंकि घर का खाना बेस्ट होता है। नवरात्र चल रही है, बताइए सबको। तो बस ऐसा रहा मेरा कुछ दिन, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरे साथ।
तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।